Hello everybody, I'm Poonam Singh, the faculty of KCMT. So today we are talking about phases of teaching. Firstly, we have to know about the meaning of phases of teaching. Teaching is a complex. For performing this task, a systematic planning is needed. Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phase of teaching. If we want to obtain a complete activities, we must consider what the teacher does before and after his regular teaching in the class. इसका मतलब शिक्षण यानी टीचिंग शिक्षा की एक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है. शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मध्य उद्देश्य केंद्रित बातचीत होती है. अथवा शिक्षण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य आपस में होने वाली बातचीत के माध्यम से विद्यार्थियों के उद्देश्यों या उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है. शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिससे पूर्ण करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाने की आवश्यकता होती है. यही आवश्यकता विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण की जाती है जिसे शिक्षण की अवस्थाएं या फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, टीचिंग के फेजेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्री एक्टिव फेज, सेकंड इंटरएक्टिव फेज, थर्ड पोस्ट एक्टिव फेज. शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाओं को वैज्ञानिक ढंग से निम्नलिखित तीन भागों में विभक्त किया गया है. पहला पूर्व क्रियात्मक अवस्था, दूसरा अंतः क्रियात्मक अवस्था, तीसरा उत्तर क्रियात्मक अवस्था. प्री एक्टिव फेज. इन प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज कैरीड ओवर. दिस फेज इंक्लूड all those activities which a teacher perform before classroom teaching the classroom. यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है. इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है. इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था यानी टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है. शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सके. इस समय शिक्षक अपने शिक्षण को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है तथा संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरों से विचार विमर्श करता है. इसलिए इसे प्रत्यात्मक या कंसेप्चुअलाइज करने की अवस्था भी कहते हैं. ऑपरेशन ऑफ प्री एक्टिव फेज. इन दिस ऑपरेशन we do many activities like formulation of goals, selection of content, arrangement of the elements and the style of teaching, decision making about strategies of teaching, the selection of teaching tactics. कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वे सभी इसी सोपान के अंतर्गत आते हैं. इस पूर्व तत्परता स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं. पहला शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, दूसरा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, तीसरा प्रस्तुतीकरण के लिए क्रमबद्ध अवस्था करना, चौथा शिक्षण की युक्तियों का व उसकी प्रविधियों का टीचिंग के संबंध में निर्णय लेना, पांचवा विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स का डेवलपमेंट करना.
नेक्स्ट इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. द सेकेंड फेज इंक्लूड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान वेयर लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स थ्रू सुटेबल मोड्स. ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय अ टीचर आफ्टर एंटरिंग इन अ क्लास आर क्लब्ड अंडर इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग. इंटरएक्टिव फेज मीन्स अंतःक्रियात्मक अवस्था. शिक्षण के अंतः प्रक्रिया स्तर के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है. इसमें पाठ्य वस्तु से प्रस्तुतिकरण की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं. शिक्षण अंतः प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेकों प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना तथा निर्देशन देना. ऑपरेशन ऑफ इंटरएक्टिव फेज: साइजिंग अप द क्लास, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, अचीवमेंट ऑपरेशन, सेलेक्शन ऑफ स्टिमुली, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज. शिक्षण की अंतः प्रक्रिया स्तर पर निम्नलिखित क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं, जैसे कक्षा के आकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, उद्दीपनों का चयन, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग तथा युक्तियों का विस्तार. पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ लर्निंग: द पोस्ट एक्टिव फेज कंसर्न विद द इवैल्यूएशन एक्टिविटीज. दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग टेस्ट बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन verbally so that their achievement may be evaluated correctly. Post active phase yani uttar kriyatmak avastha. Shikshan ka ye tritiya sopan mulyankan yani evaluation se sambandhit hota hai. Bina mulyankan ke shikshan karya to apurna rehta hai. Isme shikshan ki ve sabhi kriyaen sammilit ki jati hain jo chhatron ki निष्पत्तियों के मूल्यांकन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्णय के संबंध में प्रयुक्त की जाती हैं. शिक्षण के अंत में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मापन किया जाता है तथा ये देखा जाता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम चले थे हमने उसे किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है. इसके लिए शिक्षक मौखिक तथा लिखित प्रश्न पूछता है, जिसे शिक्षण का तृतीय सोपान कहा जाता है. ऑपरेशन ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज: designing the exact dimensions of behavioral change. Next, selecting appropriate device and technique. Changing the strategies in terms of evidences gathered. इस सोपान की प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं. पहला, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की शुद्ध रूप से परिभाषा की जाती है, जिसे मानदंड व्यवहार यानी क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं. शिक्षक छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से तुलना करके उसका एवैल्यूएशन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या किस हद तक हुई है. नेक्स्ट, समुचित मूल्यांकन प्रविधियों का चयन. इसमें शिक्षक का कार्य होता है कि वह अपेक्षित व्यवहार के मूल्यांकनों के लिए परीक्षण प्रविधियों का चयन करे, यानी ऐसी प्रविधियों का चयन करे जिससे कि वो मेजरमेंट कर सके कि वो अपनी उद्देशित या किए गए या जिस पर वो फोकस करके चल रहा था, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कह रहा था, वो उसका सही से उसको अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया है, इसको इवैल्यूएट कर सके. नेक्स्ट एंड लास्ट, मूल्यांकन से छात्रों की निष्पत्तियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय नहीं लिया जाता, अपितु
परीक्षा के परिणामों से शिक्षक अपने अनुदेशन शिक्षण युक्तियों के संबंध में भी निर्णय लेता है। यानी वो ये देखता है कि उसने अगर उस टैक्टिक्स को यूज़ करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और उसका निदान करता है, उसमें सुधार करता है। सुधार करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करता है ताकि आगे से उसमें वो ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सके जिससे कि वो अपने टीचिंग फेजेस को अच्छे से कंप्लीट कर सके। कंक्लूजन। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन दैट टू अचीव द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स द थ्री एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट व्हेन द चेंज अकर इन द थिंकिंग एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ पीपल्स। अथा शिक्षण की क्रियाओं के तीनों सोपानों का रूप इस प्रकार होना चाहिए जो छात्रों की शिक्षण प्रणाली तथा कार्यशैली में महत्वपूर्ण विकास व परिवर्तन ला सके। जिस तरीके से हम अभी तीनों फेजेस को ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, ये तीनों फेजेस से डिस्क्रिप्शन के बाद हम ये सोच सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये तीनों फेजेस टीचिंग में वन बाय वन किस तरीके से ज़रूरी होती हैं। थैंक यू।